हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। मैं हूं आपका अपना दोस्त अमन बवेजा। आज मैं आपको एक नया बिल्डर फ्लोर दिखाने जा रहा हूं डीएलएफ फेज 2 में। बहुत ही शानदार बिल्डर फ्लोर है। आज आप जल्दी से फटाफट से क्लोज अप करते हैं और इसको एंड करेंगे फिर इस वीडियो को। मैं आपको बिल्डर फ्लोर पे मिलूंगा डायरेक्टली, जल्दी आ जाओ। सो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं बिल्डर फ्लोर के बाहर। आप इसका फ्रंट फसाड देखिए और ये शानदार सा गेट देखो। ऑटोमेटिक गेट्स, ऑटोमेटिक रिमोट्स मिलेंगे आपको इसके साथ एंट्रेंस के लिए। जब भी अपनी गाड़ी लेके आइए, सीधा बटन दबाओ, गेट खुल जाएंगे और अपनी आप गाड़ी पार्क कर सकते हो। स्टिल्ट एरिया पे एक बार नज़र डाल लो, शानदार सुंदर काम किया है बिल्डर ने। ये हमारी एंट्रेंस लॉबी, बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइंड, काफ़ी अच्छी लाइटिंग है स्टिल्ट में भी। प्लस जो इसकी स्टेयर केस है वो भी एक बहुत ही बढ़िया ग्रैंड एंट्रेंस मिल जाती है आपको। दो लिफ्ट्स मिल जाती हैं। स्टेयर केस देखिए कितना वाइड है। आप एक बार इस घर को जब विजिट करेंगे तब आपको मजा आएगा, देखेंगे आप कि भाई कितनी शानदार है। ये घर की एंट्रेंस पे आ गए हम, लिफ्ट देख लीजिए, एंट्रेंस गेट देखिए। फिनिशिंग वर्क के अंदर आप एक भी कमी नहीं निकाल सकते हो इस घर के अंदर। ये हम लिविंग डाइनिंग एरिया से स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया काम करके दिया है, पीयू फिनिश दी हुई है सारे घर के अंदर। लिविंग डाइनिंग एरिया बहुत अच्छा है, मार्बल फिनिशिंग देखो आप, साथ में अटैच बालकनी भी है। लाइटिंग वर्क देखिए, मजा आ जाएगा आपको ये घर देखने के बाद। जो इस घर की फेसिंग है दैट इज 1000 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट फेसिंग, और सामने ही बिल्कुल आपका NH8 भी दिखता है इनकी बालकनी से। तो व्यू बहुत बढ़िया, रोड्स अमेजिंग, कनेक्टिविटी वाइज देखेंगे घर को सुपर। 1000 फेसिंग प्लॉट्स। चलिए अब चलते हैं वापस ड्राइंग रूम से होते हुए किचन की तरफ। ये किचन की एंट्रेंस, किचन देखिए यार कितनी शानदार सुंदर किचन बनाई है विद ऑल अप्लायंसेस। ये फ्रिज की जगह आपके लिए, माइक्रोवेव, हैफल के अप्लायंसेस यूज करे हैं। सबसे बढ़िया बात यह है कि मॉड्यूलर किचन है, अप्लायंसेस नंबर 1 है। घर के अंदर जितनी भी चीजें लगी हुई अप्लायंसेस से रिलेटेड आप देखोगे सारी की सारी अच्छी ब्रांडेड कंपनी की होंगी, कोई भी हल्की कंपनी का काम नहीं हुआ हुआ इसके अंदर। पीयू फिनिश का काम कर रखा है किचन में, मतलब आप मजा आएगा आपको ये घर विजिट करने में। मेरे कहने से जरूर ये घर जरूर विजिट करना, चाहे कोई और लेना। चलिए अब किचन देख ली हमने तो हम चलते हैं फर्स्ट बेडरूम की तरफ। ये आपका फर्स्ट बेडरूम, एंटर हो गए हम। अब इसके वॉलपेपर, इसकी लाइटिंग्स, फ्लोरिंग, अटैच बालकनी, सब कुछ ही बढ़िया शानदार है। अटैच वॉशरूम, एसी इज फिटेड। एक बार एक काम पे नजर देखो यार, फिनिशिंग पे एक बार नजर मार के देखो। वीडियो में इतना मजा आ रहा है, सोचो आके देखोगे तो कितना मजा आएगा। इसका वॉशरूम दिखाता हूँ आपको, वॉशरूम तो ओहो, मजा आ जाएगा वॉशरूम देख के आपको। सारे जैगवार और ग्रोहे की फिटिंग्स करी हुई है बिल्डर ने। ग्लास पैनलिंग हुई हुई है, अटैच वार्डरोब्स अंदर ही है वॉशरूम के, और ग्लास वार्डरोब्स दिए हुए हैं। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे बेडरूम की तरफ, लेकिन उससे पहले एक बार ये पूजा रूम की तरफ भी नजर मार लीजिए। तो दिस स्पेस इज डेडिकेटेडली फॉर पूजा। नाउ लेट्स एंटर सेकंड बेडरूम। बेडरूम साइजेस देखो, बहुत ही शानदार है। सारे बेडरूम्स अटैच बालकनीज, अटैच वॉशरूम्स के साथ है।
इस बेडरूम के अंदर आपको वुडन फ्लोरिंग मिलती है, बालकनी अटैच मिल जाती है जी, और बालकनी के साइजेस दोनों बालकनीज फ्रंट और बैक की दोनों ही 5 फीट वाइड है मिनिमम, और रनिंग बालकनीज है। एक बार रूम का साइज और दोबारा देख लो, अब मैं आपको वॉशरूम दिखाता हूँ। वॉशरूम देखिए कितना शानदार, वॉशरूम पे भी काम कर रखा है इन्होंने, और लाइटिंग वर्क तो बहुत ही अच्छा है, कोई भी कमी नहीं है किसी भी चीज की। कलर्स, डिजाइन, एवरीथिंग इज अप टू मार्क। कबर्ड्स देखिए आप, कबर्ड्स के अंदर लाइटिंग्स हैं, वॉशरूम के अंदर ही अटैच कबर्ड्स हैं, टाइल्स, कलर्स, मतलब अमेजिंग। चलिए अब चलते हैं थर्ड बेडरूम की तरफ। थर्ड बेडरूम का साइज भी देख लीजिए, इसमें आपको इटालियन मार्बल की फ्लोरिंग ही मिलती है। टीवी कैबिनेट्स बने हुए मिलेंगे, सिर्फ टीवी लगाना होगा आपको खुद से। एसीज मिल रहे हैं इसके अंदर, पूरे घर के अंदर एसीज मिल रहे हैं आपको। वॉशरूम देख लेते हैं इसका भी, बहुत ही शानदार वॉशरूम। फील गुड फैक्टर देख के आपको मजा आएगा। अटैच वार्डरोब्स, अगेन वॉक इन क्लोजेट, सारी अलमीराज के अंदर लाइटिंग्स। तो ये था हमारा आज का बिल्डर फ्लोर।